हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ खास जानकारी देने जा रही हूँ। मेरे कुछ भाई बहनों ने ये जानना चाहा है कि उनके घर में बोनसाई वगैरह है, वो लगाएं या ना लगाएं। तो उसका मैं ये उनको एक सजेशन दूंगी कि वैसे तो बोनसाई नहीं लगाना चाहिए घर के अंदर। इसमें मैंने प्रैक्टिकली देखा है, कई तरह की समस्याएं लाइफ में आती हैं। हो सकता है फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी हो लेकिन फिजिकल ग्रोथ डाउन होती है, हेल्थ प्रॉब्लम मैंने देखी है। टैलेंट होने के बाद भी कई बार प्रगति भी बाधित हो जाती है, कई तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन फिर भी यदि आपने कई समय से लगा रखा है, क्योंकि मैं जानती हूँ पर्सनली, मुझे भी बोनसाई प्लांट्स बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और बोनसाई बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, घर बहुत ही सुंदर लगता है गार्डन इनसे। तो अब और जिन लोगों को पेड़ पौधों का बहुत शौक होता है, वो पेड़ पौधों में ही एक आत्मा देखते हैं और उनको बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। तो मैं किसी की भावना को भी आहत नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो आप इसको रखें बने घर में। इसके अलावा आप एक पार्टीशन टाइप कर सकते हैं, जिसको गार्डन को थोड़ा सा आप अलग कर सकते हैं, और उसका भी एक प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो उसको आप थोड़ा सा कट कर सकते हैं अपने जो घर से, और आउटसाइड उसको आप रख सकते हैं। तो उससे कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई समस्या आ रही है आपकी लाइफ में तो थोड़ा सा इसका आप मंथन करना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं बता रही हूँ, मैंने कई तरह की समस्याएं देखी हैं। बाकी तो बहुत धनाढ्य वर्ग के जो लोग होते हैं, क्योंकि बोनसाई काफी महंगे आते हैं, कच्ची बस्ती में तो आपको बोनसाई मिलेगा ही नहीं, हर पैसे वाले के घर में ही आपको बोनसाई मिलेगा। लेकिन फिर भी बोनसाई होने से पैसा होना एक अलग चीज है, लेकिन कई तरह की समस्याएं लाइफ में आती हैं। कई बार परिवार में तनाव होता है, झगड़े इत्यादि होते हैं, कई तरह की समस्या कोई भी हो, समस्या का कोई रूप थोड़ी होता है, समस्या कुछ भी हो सकती है, तो इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा जो केले का पेड़ है, केले का पेड़ के लिए मैंने मना नहीं किया कि आप मत लगाओ, मैंने प्रॉपर स्पेस बताई है। कुछ भाई बहनों ने पूछा है कि छत पर लगाएं क्या, तो मैं उनको यही कहूंगी रूफ टॉप जो गार्डन होते हैं रूफ पर बहुत प्यारे लगते हैं। मैं भी गार्डन से संबंधित बहुत वीडियो देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। लेकिन फिर भी यदि आपके लग्न के हिसाब से जो कुछ खास कंडीशन मैंने बताई है वो सुटेबल नहीं है, तो थोड़ा आप अवॉइड ही करें। आपके घर के आउटसाइड अगर कोई स्पेस है तो वहां पर आप उसको लगा दें प्लांट को, या फिर अगर बहुत ही आपके लिए जो टाइम है काफी खराब रहा है और आपका एक्सपीरियंस काफी खराब रहा है, तो उस पौधे को आप शिफ्ट कर सकते हैं किसी टेंपल वगैरह में, अगर स्पेस है वहाँ, गार्डन है तो वहां लगा सकते हैं, कोई पार्क इत्यादि में आप लगा सकते हैं और वहां जाकर उसका पूजन कर सकते हैं। क्योंकि वृक्षों की अगर बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है तो वृक्षों की कटाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है, और मैं कभी भी किसी वृक्ष की कटाई का संदेश अपने चैनल में नहीं देती हूँ। मैंने हमेशा यही बोला है कि आप वृक्षारोपण करिए, वृक्ष की सुरक्षा कीजिए, वृक्षों की रक्षा कीजिए। लेकिन यहाँ जब ज्योतिषीय एंगल से हम लोग विचार करते हैं तो यहाँ ज्योतिषीय चर्चा की जाती है, लेकिन फिर भी यदि आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा फलदार पेड़ लग गया है तो उसकी कटाई की बात भी मैं नहीं करती, क्योंकि जब तक कोई परेशानी नहीं हो तो इस तरह के वृक्षों को कटाना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि ज्योतिष के आधार पर हम यहाँ पर बात बताते हैं, तो ये आप स्वयं निर्णय ले, क्योंकि फलदार जहाँ पेड़ होते हैं वहां मैंने कई जगह पुत्रों की मृत्यु तक होते हुए देखी है, पुत्र संतान की हानि होते हुए देखी है जहां बहुत फलदार वृक्ष हैं। अभी पिछले दिनों ही एक मेरी क्लाइंट ही थी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनके घर में बहुत ज़्यादा, साल भर की बात हो गई एक्चुअली ये, और उनके घर में काफ़ी फलदार पेड़ थे, बड़े बड़े उनके बादाम तक आ रहे थे घर में, और बहुत खुश थे वो। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उनके घर में भी काफ़ी ऐसे कई लोगों का देख लिया जिनके घर में फलदार पेड़ हैं। लेकिन फलदार पेड़ घर के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, बाहर कहीं जगह है लग रहा है तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखें तो उचित रहेगा। लेकिन फलदार पेड़ नुकसान तो करते ही हैं, मैंने देखा है, लेकिन मैं किसी भी वृक्ष की कटाई का संदेश यहाँ पर नहीं देती हूँ आपको। अब मैं आज बात करती हूँ पीपल के वृक्ष के बारे में, लोगों ने जानना चाहा है। पीपल की बोनसाई लोग लगा के रखते हैं, बहुत सुंदर लगती है। पीपल के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास माना गया है, विष्णु भगवान ने इसको बहुत ही पवित्र माना है। इसके अलावा पितृदेव का वास भी इसमें माना गया है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ये पेड़, और जहाँ भी होता है वातावरण शुद्ध रखता है। लेकिन फिर भी एक और मैं बात आपको बताती हूँ, पीपल का पेड़ यदि किसी मकान की छत पर उसकी छाया पड़ती है, तो मैंने प्रैक्टिकली उस घर में निसंतानता भी देखी है और बहुत सी परेशानियां देखी हैं। एक और परिवार है जिसके घर में पीपल की पूरी छाया उनके घर में पड़ती है, लेकिन फिर भी वो नहीं शिफ्ट कर पा रहे, नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे वो, लेकिन कष्ट बहुत भुगत रहे हैं वो लोग, बहुत परेशान हैं। तो किसी भी वृक्ष की छाया आपके भवन पर नहीं पड़नी चाहिए, यदि कहीं पार्क इत्यादि में कहीं पर भी है तो जाकर आप पूजा करें, क्योंकि पीपल का वृक्ष वैसे ही बहुत पवित्र माना गया है। लेकिन सूर्योदय से पूर्व वहां पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय से पूर्व यदि पूजा करते हैं पीपल के पेड़ की तो दरिद्रता आती है, गरीबी आती है।
तो सूर्योदय के पश्चात ही पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा पीपल के जो पेड़ होता है उसमें पितरों का भी वास होता है और उसमें पितरों के निमित्त भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे कई अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इसके अलावा जो पीपल के जो पेड़ होता है उसके अंदर सबसे जो खास बात है कि शनि की, ऐसा बोलते हैं कि शनि का भी कई बार, शनि की भी छाया होती है, तो शनि के लिए जब कोई दान वगैरह किया जाता है, दान से मतलब है कि जब तेल इत्यादि का दीपक वगैरह लगाया जाता है वहां पर, तो वो भी आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं, तिल के तेल का भी लगाएं, सरसों के तेल का भी लगाएं, तो उससे भी बहुत नौकरी भी लगती हुई देखी है कई लोगों की और शनिग्रत दोष भी कटते हुए देखे हैं। तो इसलिए पीपल के पेड़ का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है और कई कई बार घरों में छोटे छोटे पीपल के पेड़ उग जाते हैं लेकिन उस वो भी एक प्रकार का दोष होता है, तो उसको भी थोड़ा सा सोच समझ के सही मुहूर्त में किसी पंडित से पूछकर ही निकलवाना चाहिए। ऐसे तोड़ फोड़ के किसी भी उसके पत्ते नहीं फेंकने चाहिए, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और पीपल के पेड़ पे कई ज्योतिषीय प्रयोग भी किए जाते हैं और उनके कई सकारात्मक परिणाम भी होते हुए देखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो पीपल का पेड़ है बहुत ही पवित्र पेड़ होता है और बहुत ही ज्योतिष शास्त्र में और धार्मिक मान्यताओं में इसका बहुत अधिक महत्व है। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप, और ये बिल्कुल फ्री है और आपकी जो समस्याएं हैं धीरे धीरे जरूर सॉल्व होंगी। आप डॉक्टर उमाश्री परिवार का हिस्सा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।